सवाल है इसकी गंदमार में जो हुआ उसका थोड़ा अलग चैनल था, मूवमेंट तक नहीं भी देखे तो एक वहाँ अलग इशू था और वो इशू पुराना इशू है काफ़ी सालों से वहाँ पर कॉमेंट हो रही थी, बट जो तक मीडिया अटेंशन मिला अब नहीं है वो इशू, तो उस बारे में आपकी क्या समझ आ रही है कि वहाँ पर क्या हुआ क्यों हुआ? कंधमाल में जो दलित और आदिवासियों का बीच में जो पुराना लोग रहते थे कंध लोग बोलते हैं आदिवासी लोग थे, वो खास करके गंजाम नयागढ़ और बाहर जिले में जिलों से जाके रहने वाले जो पान कम्युनिटी बोला जाते हैं, एक तो कंधमाल में जो घटना है नॉट ओनली कंधमाल में पूरी दक्षिण उड़ीसा में ये कैरेक्टर और नारायणपटना की जो मूवमेंट है उसका साथ कुछ लिंक भी है, क्योंकि बाहर में जो वो गए हैं वो अपनी जो आदिवासियों का जो सरलता अनपढ़ का ये सुजोग लेके ये लोगों ने वहाँ लूटना शुरू किया है, वो शराब की दुकान भी किया है, शराब बेचना शराब तैयार करना ये सब काम किया है, तो बाकी काम भी किया है, ये लोग साहूकार बन गए और ये घटना भी ये लोगों का साथ भी कटमाल में भी हुआ, मगर उसमें से क्या हुआ ये जो ये भी कम्युनिटी बहुत साल से रह गया है और वहाँ जो इवन मिशनरीज भी जो पहुँच गए मिशनरीज पहुँच के वो भी अपने काम में कुछ किया, तो दलित खास करके वो दलित लोगों का बीच में वो काम किया है, तो इसकी फायदा में इवन बाद में आरएसएस फोर्सेस जाके वो आदिवासियों के बीच में भी काम किया है, मगर वो जो प्रक्रिया चल रहा था मैं तो ये कहना चाहूँ इस प्रक्रिया को ये तो आपस में जो लुंठन का और इसके खिलाफ में एक कंट्राडिक्शन तो काम कर रहा था, पर उसी कंट्राडिक्शन को जो अग्रावेट किया है वो तो आरएसएस ने किया, वहाँ की जो कंट्राडिक्शन है वो अनइवननेस के साथ जुड़ा हुआ है, अंडर डेवलपमेंट का साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ की जो लूट है जो दलित और आदिवासियों के बीच में जो लूट है वो तो छोटी लूट माने छोटी छोटी घटना को लेकर, मगर जब तक उसी इलाके में एजुकेशन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा उनको जो मिनिमम एमिनिटीज खाद्य वस्त्र वास्तु शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का ये सब प्रबंध नहीं होगा और बाकी जो रास्ते का समस्या है ये सब कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जब तक ये पूरा नहीं होगा और ये लोगों को भी अपना जो अधिकार जो प्रॉपर्टी मिले नेचुरल प्रॉपर्टी में जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक तो ये समस्या रहेगी और इसका साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाके कोई दलित लोग अगर उनको एक आदिवासी को दलित अगर जो लूटता है लूट कहीं छोटा किसके लिए लूटता है वो कोई कंपनी के लिए लूटता है वो कोई साहूकार के लिए लूटता है, तो मेजर उनका जो ये तो वो लूट के ले जाता है, तो इसका साथ ही कंधमाल का समस्या जुड़ा हुआ। तीसरा सवाल है आपका काम जो यहाँ पर है उसको ऑर्गेनाइज करने का उसको लेकर जनरली छोटा सा जवाब देते एक्सपीरियंस के तौर पे कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है कहाँ से माइग्रेट आते हैं क्या पर्टिकुलर रीजन से वो आते हैं और क्या कंडीशन है उनका और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है माइग्रेंट वर्क्स पर्पस की बात होने से हम लोगों ने भी जो उड़ीसा निर्माण और दादन श्रमिक यूनियन बना के अभी उस 3-4 साल से ही काम शुरू किया, मगर ये जो समस्या है खास करके उड़ीसा का एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है बहुत सीरियस समस्या है, यहाँ की गांव में जा अब जो भी गांव में जाएंगे खास करके 15 साल से जो 35-36 साल तक जो यूथ कोई भी गांव में आपको देखने नहीं मिलेगा, हाँ इवन कोस्टल से लेकर वेस्टर्न उड़ीसा लेकर साउथ उड़ीसा तक हर गांव से पूरी तरह से जो प्रीशियस टाइम होता है जिंदगी में जो सबसे प्रीशियस टाइम जो होता है 15 से 40 साल के अंदर 35 से 40
नहीं सकता। उसी वो पूरा समय सूरत में होता है और मुंबई में होता है और बाकी भिन्न भिन्न राज्यों में और भिन्न भिन्न में वहाँ उसको लूट ले, क्योंकि उड़ीसा में दरिद्र इतना है, गरीबी अभी सरकार के हमारी जो सरकार योजना कमीशन की तो हिसाब से 57% जो गरीबी रेखा के नीचे है। और इससे पहले जो पंचायत राज विभाग ने जो दिया था जो 84% है, 84% उड़ीसा का जो गरीबी रेखा की सीमा नीचे है। अच्छा, जो बाकी अभी जो तथ्य मिला है योजना कमीशन ने जो दिया है तेंदुलकर कमेटी ने जो 57% का, वो 50% जिसको दिन में एक बार भी खाना नहीं मिलता है वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो गरीबी रेखा के नीचे, वो उड़ीसा का 23% है आदिवासी और बाकी बहुत जिले से इवन 40% तक जो दलित है बहुत जिला में। तो ये जो पूरी तरह से एक बैकवर्डनेस, कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता है। अभी भी जो डेवलपमेंट का बात बोला जाता है वो सिर्फ कंपनियों का लूटने के लिए क्या चाहिए, कंपनी विदेशी कंपनियां ने और कॉर्पोरेट कंपनियां ने लूटने के लिए उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है और हमारी जो जमीन के नीचे जो रॉ मटेरियल उसको ले जाना ही विकास और द्रुत शिल्पायन होगा। तो अभी देखिए कलाहंडी, कोरापुट, बलांगीर ये जिस तरह की जो राज्य जिले हैं ये सब जिले में इतना बैकवर्डनेस है, वहाँ स्कूल भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, कोई डॉक्टर खाना भी नहीं है। उड़ीसा सरकार और नवीन पटनायक सरकार है वो इससे पहले भी सरकार बहुत चिल्लाया कि यहाँ विकास विकास होगा और यहाँ हम लोग विकास करें, मगर इवन उड़ीसा में 314 ब्लॉक है, 314 ब्लॉक में अभी तक ओनली 111 ब्लॉक में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, बाकी जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक में आज तक एक हेल्थ सेंटर नहीं बन पाया। और इसके बारे में कोई सरकार और कोई सोचता भी नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह की स्थिति है और यहाँ डेमोक्रेटिक मूवमेंट को और माने जितने भी सरकार आए हुए हैं अभी तक इंक्लूडिंग नवीन पटनायक सरकार, जितना दावी देने के जितना डिमांड्स देने से जितना रैली धरना विक्षोभ करने से डेमोक्रेटिकली कुछ नहीं करते, बिल्कुल नहीं, पूरा जैसे कैलॉस है और कोई करना नहीं चाहिए। ये सरकार को बस अपने ही काम करना चाहिए, जनता की कोई बात सुनना ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह की स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस इतना ज़्यादा है यहाँ, बाकी खेती का समस्या इतना गंभीर है, तो इसके कारण दरिद्र और बेकारी ये दोनों के कारण यहाँ की जो यूथ कंपेल होते हैं जैसे अपने पेट को बचाने के लिए और बाकी और एक चीज़ भी जो ये जो उपभोक्ता संस्कृति कंज्यूमर जम का जो कंज्यूमर सोसाइटी का जो प्रभाव है इसके कारण ये कंपेल होते बाहर जाके काम करने के लिए। इवन मैं जिस जिला से आया हूँ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है गंजाम डिस्ट्रिक्ट, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है गंजाम डिस्ट्रिक्ट, उसी गंजाम डिस्ट्रिक्ट से ओनली मेरी डिस्ट्रिक्ट से जो 500,000 लोग हुए, मेरी डिस्ट्रिक्ट से जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट से ओनली गंजाम डिस्ट्रिक्ट से 500,000 लोग हुए वो जाके रहे हुए हैं सूरत, ओनली सूरत में। तो इस तरह के सूरत में कितना लोग देखिए, इवन मैं बोल रहा हूँ जो भी गाँव को उड़ीसा में जो भी गाँव को जाइए थोड़ा जो गरीब रेखा के नीचे है ओनली कुछ लोग जो पढ़ते हैं अपने पढ़ाई वगैरह जो पारिवारिक स्टैंडर्ड है अपने बच्चे को पढ़ाने का, बाकी लोग कोई यूथ को तो आपको गांव में नहीं मिला।